अगर आपके मार्क्स 600 से कम है तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो ओरिजिनली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट तभी कर देना चाहिए जब आपने नीट का एग्ज़ाम दे के घर पे आते हो, तो क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जब दे के आते हो तो उसके एक या दो दिन या तीन दिन बाद ऑफिशियल तो आंसर सेट नहीं आता है, बट बहुत सारे भारत में इंस्टीट्यूट हैं जो कि अपने आंसर्स रिलीज़ कर देते हैं। आप दो या तीन इंस्टीट्यूट्स के आंसर्स जब आप मैच करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। जब नीट के तरफ से एनटीए के तरफ से ऑफिशियल आंसर्स की आती हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, या दो या तीन नंबर, मैक्सिमम पाँच नंबर का फ़र्क आता है। तो यानी आपकी तैयारी उसी दिन से हो जानी चाहिए जिस दिन आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दे के आते हो तो आपको पता होता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। एक चीज़ रूल याद रखिएगा कि जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा चांस है आपका सिलेक्शन होने का, जितना लेट आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही लेट चांस है सिलेक्शन होने का। यानी व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चांसेस इन सिलेक्शन। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन करना उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की कि आपका सिलेक्शन अगर आपके 600 मार्क्स है से कम है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है आपके पास। अगर मान लीजिए आपके 550 नंबर है या 590 है या 450 है तो क्या करना क्या चाहिए, क्योंकि आप ऑफिशियली रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो पहली तो गलती आप कर चुके हैं कि आप दो या तीन महीना आप पीछे चले गए हैं। खैर, जब जागो तभी सवेरा। अब आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप ड्रॉप लेके, चाहे वो पार्शली ड्रॉप क्यों ना हो, ड्रॉप लेके फिर से आप तैयारी करें, क्योंकि आपके मार्क्स 500 हैं तो अगर आप मेहनत करते हैं तो इसमें 100, 150, 200 नंबर जोड़ा जा सकता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करें, एक डेडिकेशन से मेहनत करें और अपनी गलतियों को समझ लें कि मेरी गलती क्या रही कि जिससे मैं 500 नंबर लेके आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ, तो उस गलतियों पर अगर आप काम करेंगे तो उसमें 100, 150 नंबर जोड़ना आसान है। तो अपने गलतियों को से सीख के और अच्छा कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये रहा कि आप ड्रॉप ले सकते हैं, पार्शली ड्रॉप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहा कि अगर आप दो या तीन बार से एग्ज़ाम दे चुके हैं, थक चुके हैं एग्ज़ाम दे दे के, वही एनसीईआरटी, वही टीचर, वही सारा चीज़, और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में अब डॉक्टर बनना मुश्किल है, तो आप कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन बचते हैं, तीसरा ऑप्शन तो कोई होता ही नहीं है। तो पहले बारी बारी से इन दोनों ऑप्शन पे बात करते हैं, और आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, और जो भी आप समझे, जो भी 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको इस 10 मिनट की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं कि अगर आप पार्शली ड्रॉप ले रहे हैं या फुली ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे बेहतर तो ये रहता है कि आप फुल ड्रॉप लें। इसके पीछे दो लॉजिक हैं कि अगर आप फुल ड्रॉप लेके फुल डेडिकेशन के साथ नीट को देते हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान नीट पे रहता है, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन नीट पे रहता है, और आप उस अच्छे तरीके से टाइम को यूटिलाइज़ करके नीट को देते हैं और नीट को क्रैक कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप पार्शियली ड्रॉप लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपका थॉट्स उस ड्रॉप ईयर पर जाएगा, उस कोर्स पर जाएगा, जो भी आपने कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर जाना पड़ सकता है कभी कभी, या हो सकता है एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ हिस्सा कंसंट्रेशन वाला उस के जगह जाएगा। नीट बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और जब आप नीट देंगे तो मुझे लगता है कि 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होंगे। आपको क्या लगता है कि आप वो भी कर पाएंगे और नीट भी कर पाएंगे? ये लॉजिकली सही नहीं है। सोचिए कि लोग 2 साल लगा देते हैं, 3 साल लगा देते हैं, तब जाके उनका नीट क्रैक होता है। तो आप इतने स्मार्ट हैं कि आप उसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। तो मेरे तरफ से, क्योंकि मैं अपने को अगर मैं आपके जगह रख के देखूं तो आई एम ऑलवेज अ एवरेज स्टूडेंट, बट यस आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। तो अगर मैं अपने जगह आपको लेके चलूं तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पार्शली ड्रॉप लें, क्योंकि आप फुली ड्रॉप लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका फुल कंसंट्रेशन नीट पे रहेगा। बट अगर परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं तुमको लेना ही है तो आप ले सकते हैं, बट कोशिश करिए कि नीट को ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि अगर 2-3 साल में नीट नहीं होता है तो आपको तो करना तो है ही है, अल्टीमेटली वही काम करना है। तो अभी तो समय है कि उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करके दिया जा सके। तो आई एस्पेक्ट ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको करना क्या है।
मेरी तरफ से आपको फुल ड्रॉप लेके और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। और देखिए नीट में जहाँ तक मुझे पता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ और बहुत सारे इंटरव्यू के साथ मैं अगर बात करूँ तो नीट में, नीट को क्रैक करने के लिए 3-4 हथियार की ज़रूरत होती है सिर्फ। पहला कि आपका डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब यू आर वेरी डेडिकेटेड कि मुझे ये करना है तो करना है। दूसरा है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत अच्छा करते हैं 1 महीना 2 महीना, फिर उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। आपको डिसिप्लिन पूरा जब तक नीट 2023 नहीं हो जाता तब तक मेंटेन रखना है। इट्स अ वेरी टफ वर्क, बट इतना नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, आसानी है, बट अगर आप कर पाए तभी हो पाएगा। तीसरा इज़ अ राइट गाइडेंस, गाइडेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, एक एक्सपर्ट का गाइडेंस होना चाहिए तभी आप नीट को क्रैक कर पाएंगे। एंड द फोर्थ इज़ क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आलतू फालतू की चीज़ों को पढ़ेंगे तो वैसे ही आप इस कॉम्पिटिटिव एरा से छट जाएंगे। तो इन चार चीज़ों को अगर आप सम्मिलित रूप से इस्तेमाल कर लेते हैं और प्रैक्टिस में लाते हैं तो मुझे लगता है कि आप नीट को क्रैक कर ही लेंगे फॉर श्योर। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर आप 3 या 4 ड्रॉप ले चुके हैं और आपके मार्क्स 600 से कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो यू कैन मूव आउट, बिकॉज द लाइफ में सिर्फ डॉक्टर ही बन के कुछ करना ये कहीं लिखा नहीं है। आप बिना डॉक्टर बन के भी बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक अच्छा करियर पाथवे ओरिएंटेड कर रहा हूँ, क्योंकि अब 3 साल से आपने मेहनत किया है, आप अपने गलतियों को सुधार नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, फैमिली में इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, या जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो आपको मूव कर जाना चाहिए। बिकॉज एक ही चीज़ को ले कर रखना एक सही नहीं माना जाता है। तो यू कैन शिफ्ट योर ड्रीम इन द डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट डिपार्टमेंट, या जो भी आपको लगता है वो कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए लाइफ इज़ व्हाट, कि आपको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों पे लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भी लोग देखते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 99% लोग अपने लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते ही करते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ से कॉम्प्रोमाइज़ करता ही करता हूँ, और हर लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो इसमें बुराई वाली बात नहीं है। और लाइफ ये आपकी है, आपको जीना है, अगर आप खुश होकर जीते हैं तो इससे बेहतर लाइफ क्या ही हो सकती है। दुखी नहीं होना है, सबसे पहली बात दुखी नहीं होना है, खुश रहना है। तो आई होप कि आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, कि अगर आपको, अगर आपने ठान लिया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, चाहे वो तीसरा ड्रॉप क्यों ना हो, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए फिर से। अगर आप थक चुके हैं और आपको लगता है अंदर से कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, सो यू कैन स्विच नाउ इन द डिफरेंट फील्ड। एंड आई होप कि आप इस वीडियो से प्रभावित होंगे और ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। पहली दफ़ा इस चैनल में आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ। इस क्लास को जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आते रहेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम है, उससे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।